छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। गर्भ में थे 3 बच्चे, डॉक्टर ने बताए 2। डिलीवरी से हुई महिला की मौत, रेडियोलॉजिस्ट पर लापरवाही के आरोप, एक्सपर्ट से जांच कराएगा आयोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में एक भाई ने अपनी बहन की डिलीवरी से मौत पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भाई ने जब गर्भवती बहन की जांच कराई थी तब रेडियोलॉजिस्ट ने गर्भ में 2 बच्चे होने की जानकारी दी थी, लेकिन जब डिलीवरी हुई तब 3 बच्चे पैदा हुए और महिला की मौत हो गई। आयोग ने पहली बार महिला की तरफ से भाई की शिकायत पर सुनवाई की, साथ ही केस की गंभीरता को देखते हुए इसे रायपुर ट्रांसफर कर एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई बुधवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में हुई। इसमें आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सदस्य अर्चना उपाध्याय मौजूद रहीं। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में भाई आवेदक बना है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर की लापरवाही से अपनी बहन की मौत का आरोप लगाया है। आमतौर पर महिला आयोग की जनसुनवाई में महिलाओं की शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन इस केस में आयोग ने भाई की तरफ से शिकायत पर सुनवाई शुरू की है। शिकायतकर्ता भाई ने बताया कि साल 2020 में उसकी बहन गर्भवती थी। उन्होंने मई माह में अपनी बहन का सोनोग्राफी कराया था, तब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने महिला के गर्भ में 2 बच्चे होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में जुलाई में फिर सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि महिला के गर्भ में 3 बच्चे हैं। इस बीच अगस्त में डिलीवरी हुई तब महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया और इसके 3रे दिन बाद उसकी मौत हो गई। भाई का आरोप है कि जांच में लापरवाही के कारण उनकी बहन की मौत हुई और उनका इलाज नहीं हो सका। उन्हें डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर ने बताया कि समय से पहले ये पता चल जाता कि महिला के गर्भ में 3 बच्चे हैं तो सही तरीके से इलाज हो सकता था और उनकी मौत नहीं होती। इस केस की सुनवाई के दौरान रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने भी माना कि उन्होंने 2 बच्चों का रिपोर्ट दिया था। उन्होंने बताया कि कई बार ओवरलैप होने की वजह से 3रा बच्चा नहीं दिखता। आयोग ने मामले में दोनों पक्षों को सुना। इस केस की गंभीरता को देखते हुए रायपुर ट्रांसफर किया गया है, साथ ही पूरे मामले में विशेषज्ञ डॉक्टरों से रिपोर्ट और राय लेकर कार्रवाई की जाएगी।